टेंजेंट एंड नॉर्मल का एक आखिरी टॉपिक है, लेंथ ऑफ, लिखो लेंथ ऑफ टेंजेंट, सब टेंजेंट, नॉर्मल एंड सब नॉर्मल, ठीक है ना। हालांकि इसका यहाँ ज्यादा यूज नहीं होता इस कंसेप्ट का, जब इंटीग्रल कैलकुलस का हम लोग करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन तो वहां ये ज्यादा यूज होगा, ठीक है ना। अभी तो बस थोड़ा बहुत यूज होगा फॉर्मूला, क्योंकि डीवाई बाई डीएक्स से आता है, ठीक है, इसलिए यहां हम लोग कर लेंगे। ठीक है, देखो समझो होता है क्या, बड़ा आसान है, एक बार समझ जाओगे अपने आप तुम्हें याद आ जाएगी चीजें। मान लिया कोई भी एक कर्व ऐसा बनाता हूं मैं, ठीक है। मान ली कर्व अगर कोई है, वाई को तो एफएक्स एक कर्व, ठीक है, ये जो लाइन है ले ले दिख रहा है, क्या है, टच कर रहा है इसको, और ये क्या है इसके नॉर्मल है। तो मान लिया ये नॉर्मल हो गया, ये टेंजेंट हो गया, जिस पॉइंट पे हम लोग कर्व के टेंजेंट या नॉर्मल ड्रॉप किया वो पॉइंट क्या है, पी है, उसका कोऑर्डिनेट हमने क्या मान लिया, एक्स वन कॉमा वाई वन मान लिया, ठीक है। मान लिया जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस को टी पे कट किया और नॉर्मल ने एक्स एक्सिस को एन पे कट किया, पी से एक एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जिसका कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं एम, ठीक। ठीक है, यहां तो कोई डाउट होगा नहीं, ठीक है। भाई एक टेंजेंट ड्रॉप किया, एक नॉर्मल ड्रॉप किया, टेंजेंट ने एक्स एक्सिस को टी पे कट किया, नॉर्मल ने एक्स एक्सिस को एन पे कट किया, और पॉइंट पी से एक्स एक्सिस पे एक नॉर्मल ड्रॉप कर दिया हमने जो पॉइंट एम है। तो कोई एम का कोऑर्डिनेट बता दे, एम का कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वन कॉमा जीरो, सिंपल एक्स वन कॉमा जीरो ही आएगा, ठीक है। ड्रॉप करोगे तो एक्स वन कॉमा एक्स कोऑर्डिनेट एक्स वन हो जाएगा और वाई जीरो हो जाएगा। अब देखो पीटी क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, ठीक है ना, पीटी क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो पीटी का अगर इक्वेशन लिखोगे आप, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन कैसे लिखते हैं, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप जो dy बाय dx है एट पॉइंट p इनटू x माइनस x, ठीक है। ये क्या हुआ, उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉप कर रहे हैं स्लोप हो गया जो dy बाय dx एट पॉइंट p हो गया, ठीक। तो y माइनस y1 dy बाय dx एट पॉइंट p इनटू x माइनस x, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू fx एट पॉइंट x1 कॉमा y1, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हमें बेसिकली करना क्या है, हमें t और n का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, t और n का, ठीक। अब देखो t का अगर कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो क्या है, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x एक्सिस एंड टेंजेंट, ये टेंजेंट और x एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो अगर t का कोऑर्डिनेट निकालना है तो इसका टेंजेंट का जो इक्वेशन हमने लिखा है अभी, अगर उसमें y कोऑर्डिनेट जीरो कर दो,
क्यों जीरो कर दें? क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, एक्स एक्सिस पे है, तो इसमें क्या करें अगर वाई को जीरो कर दें, तो अगर वाई को जीरो करोगे तो जीरो जाएगा, वाई वन डी वाई बाई डी एक्स। अब यहां से निकालोगे तो x कितना आएगा, x आएगा x1 माइनस y1 dy by dx एट पॉइंट b। ये तो है, मैं इसको इधर लेके गए, सॉरी उल्टा हो जाएगा, इसको इधर लेके जाओगे तो जो dy by dx इधर आके क्या हो जाएगा, dx by dy, y1 के साथ नेगेटिव में रहेगा, इधर क्या बचेगा x माइनस x1, तो x1 इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा। तो हमने x का कोऑर्डिनेट निकाल लिया, कितना x1 माइनस y1 डॉट या मल्टीप्लाइड बाय dx बाय dy एट पॉइंट b। ठीक है, अगर तुम्हें थोड़ा आसान करना है तो ऐसा कर सकते हैं, लेट देखो ऐसे मान लो dy बाय dx एट पॉइंट p इक्वल m मान लिया, तो यहां से dx बाय dy एट पॉइंट p कितना हो जाएगा, 1 बाय m, स्लोप m मान लो तो उसका रेसिप्रोकल 1 बाय m आ जाएगा। तो अगर इसको लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं x1 माइनस y1 इनटू या ऐसे y1 अपॉन m, थोड़ा छोटा दिखने में लगेगा। अब ये देखो x कोऑर्डिनेट आ गया किसका, t का, तो अगर t का कोऑर्डिनेट लिखोगे तो क्या आएगा भाई, ये लिख देना x1 माइनस y1 अपॉन m कॉमा z। इसमें किसी को डाउट है क्या कैसे पॉइंट लिखा हमने? तो देखो ये वाला जो पार्ट है ना, जब हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे तो उसमें बहुत बार आएगा, बार बार, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन में दो तरह के क्वेश्चन आएंगे, एक डायरेक्टली मैथमेटिकल फॉर्म में आता है, एक लैंग्वेज फॉर्म में आता है, तो लैंग्वेज फॉर्म को हमें कन्वर्ट करना पड़ता है, तो कुछ इस टाइप का दिखेगा। ठीक, डाउट तो नहीं है किसी को कैसे हमने टी का कोऑर्डिनेट निकाला? अभी मैं बताता हूँ कि ये क्या होता है, ठीक है ना, पहले दो तीन फॉर्मेशन हम कैलकुलेट करते हैं फिर इसके बाद तुम्हें बताता हूँ। इनमें डाउट नहीं है किसी को? चलो अब ये क्या पीटी का इक्वेशन था, तो हमने पीटी के इक्वेशन से टी का कोऑर्डिनेट लिख लिया, एम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, अब हमें क्या निकालना है, एन का कोऑर्डिनेट, एन का कोऑर्डिनेट, और एन का कोऑर्डिनेट कैसे आएगा भाई, अब देख सकते हो एन क्या है, पी एन इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व एट पॉइंट पी, पीएन क्या है, नॉर्मल का इक्वेशन है, तो हमें नॉर्मल का इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो देखो पीएन जब लिखेंगे अगेन पॉइंट तो सेम है, अब देखो स्लोप अगर डीवाई बाई डी एक्स है तो इसका स्लोप क्या आएगा, क्योंकि नॉर्मल है ना सेम पॉइंट पे, तो इसका अगर स्लोप एम था तो इसका माइनस वन बाई एम हो जाएगा, यानी अगर लिखना चाहो तो ऐसा लिख सकते हो माइनस डी एक्स बाई डी वाई एट पॉइंट पी इंटू एक्स माइनस एक्स। ठीक है, ये किसका इक्वेशन हो गया, नॉर्मल का इक्वेशन हो गया, पीएन का इक्वेशन हो गया, वही स्लोप पॉइंट फॉर्म में, पॉइंट एक्स वन वाई वन है, टेंजेंट का स्लोप डी वाई बाई डी एक्स था, ये एक्स वन नहीं है एट पॉइंट पी, टेंजेंट का स्लोप डी वाई बाई डी एक्स था, तो नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस डी एक्स बाई डी वाई, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट माइनस वन आएगा। अब हमें वापस n निकालना है, n निकालने के लिए फिर वापस क्या करना पड़ेगा, y को जीरो, यानी पुट y इक्वल टू जीरो, तो जीरो माइनस y वन, इसको मैं लिख देता हूं माइनस वन अपॉन m। ठीक है, तो यहां से x कितना आएगा, यहां से x निकालोगे तो बताओ कितना आएगा, ये आएगा माइनस माइनस प्लस, x1 प्लस y1 इंटू m, ठीक है, m हम लोग शुरू से बांध चुके हैं कि m क्या है, स्लोप ऑफ द लाइन। ठीक है, इनमें किसी को डाउट नहीं है, टी एम और एन के कोऑर्डिनेट में किसी को डाउट कोई पार्ट में?
नहीं है तो लिख लिया होगा। अब देखो ये तो चार ले रखा हमने, टैंजेंट, सब टैंजेंट, नॉर्मल और सब नॉर्मल। देखो होते क्या है, बड़े आसान है। जो तुमने टैंजेंट किसी पॉइंट पर टैंजेंट ड्रॉप किया ना, पी पर टैंजेंट ड्रॉप किया, ये पीटी जो लाइन है, देखो ये जो लाइन है ना पीटी, पीटी जो लाइन है क्या है, ये है अगर पीटी का लेंथ गुणा तो लेंथ क्या है, पॉइंट से और एक्स के बीच में टैंजेंट का जो इंटरसेप्ट हुआ उसी का लेंथ है। तो जो पीटी लेंथ है ना, इसी को हम लोग लेंथ ऑफ टैंजेंट बोलते, क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ टैंजेंट। इट इज द क्या नाम, लेंथ बिटवीन क्या जगह पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एंड एक्स एक्सिस, मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट और एक्स एक्सिस के बीच में जो टैंजेंट पे इंटरसेप्ट हुआ, जो पीटी हुआ, दैट इज कॉल्ड लेंथ ऑफ टैंजेंट। अब इसी लेंथ ऑफ टैंजेंट का एक्स एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन कर दोगे, जैसे ये पीटी था, इसका प्रोजेक्शन करेंगे तो क्या आएगा, टीएम। तो टीएम क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे लेंथ ऑफ सब टैंजेंट। ये हो गया टैंजेंट, प्रोजेक्शन ऑफ टैंजेंट ऑन एक्स एक्सिस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ सब टैंजेंट। सिमिलरली जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट और एक्स के बीच में जो नॉर्मल का बीच नॉर्मल का लेंथ इंटरसेप्ट हुआ है, दैट इज कॉल्ड लेंथ ऑफ नॉर्मल। तो ये जो पीएन हो गया, पीएन क्या हो गया, लेंथ ऑफ नॉर्मल हो जाएगा। और पीएन का एक्स एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन करेंगे वो क्या आएगा, एमएन, और एमएन को क्या बोलेंगे, सब नॉर्मल। ठीक है ना, तो इसमें यहाँ लिख सकते हो, यहाँ यही पर नीचे जो हेडिंग डाला है, ये क्या आएगा, ये हो जाएगा पीटी सब टेंजेंट क्या हो गया पीएम, नॉर्मल कौन सा हो गया पीएन, और सब नॉर्मल कौन सा हो गया एमएन। वाई जो जीरो डालते हैं, ये एक्स वन वाई वन की वैल्यू जीरो थोड़े करेंगे, एक्स वन वाई वन तो 2.3 टाइप का पॉइंट है, एक्स वन वाई वन इज अ फिक्स पॉइंट, एक्स वन वाई वन वो पॉइंट है जिससे कर्व पे टेंजेंट पास कर रहा है। ये तो इस पॉइंट की बात कर रहे हैं ना, तो हमें टी या एन का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो जब टी और एन का, मान लो टी का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो टी क्या है, इस लाइन का और एक्स एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो जो हम इक्वेशन ऑफ लाइन लिखते हैं उसमें एक्स वन वाई वन तो फिक्स होता है ना, जहां से पास करें, वेरिएबल कौन सा होता है, एक्स और वाई ना, तो वेरिएबल पॉइंट को ही तो पुट करेंगे आप लोग जीरो। अगर एक्स वन का जीरो कर दोगे तो एक्स वन तो यहाँ पर है ना, या वाई वन यहाँ पर है, इसको जीरो थोड़े कर सकते, ये तो अपना पोजिशन को क्या कर रहा है, कैप्चर कर रखा है, इसको जीरो नहीं कर सकता। समझ गए, टेंजेंट, सब टेंजेंट, नॉर्मल और सब नॉर्मल का लेंथ समझ में आ गया, कौन कौन सा क्या है, निकालते कैसे वो भी मैं बताता हूँ आपको। इसमें डाउट नहीं किसी को, एक कौन सा लेंथ क्या है, चलो ठीक। अब देखो निकालते कैसे, अब मैं समझाता हूँ, जो कंसेप्ट यूज करेंगे ना थोड़ा बहुत अपना डिफरेंशियल इक्वेशन में भी बहुत यूज होगा ये। अब फोकस करते हैं पीटी निकालने के लिए, ठीक है, पीटी निकालने के लिए मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट हम निकालने जा रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान देना, समझना, मान लिया इस एंगल को थीटा, ध्यान देना, अगर ये एंगल थीटा है तो क्या बोल सकते हैं, थीटा क्या है, थीटा इज द इंक्लाइनेशन ऑफ टेंजेंट विद एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जो अगर थीटा का इंक्लाइनेशन है तो इसको क्या बोल सकते हैं, टैन थीटा, टैन थीटा ही क्या बोलेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट पीटी, सही लिखा मैंने भाई, जो टैन थीटा आएगा, टैन थीटा ही क्या डिनोट करता है, किसी भी लाइन का स्लोप, वेयर थीटा क्या है, एक्स एक्सिस का इंक्लाइनेशन है, तो टैन थीटा जो हम कैलकुलेट करेंगे दैट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट। और इसी को हमने यहाँ पर क्या बोला है, इसी को हमने dy by dx at point P बोला, या इसी को हमने further m बोला, यानी तीनों आपस में रिलेटेड है। अब इसके जगह पर ये लिखो या ये लिखो या ये लिखो, तीनों का मतलब क्या है, सेम है, तीनों क्या डिनोट कर रहे हैं, PT लाइन का स्लोप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो हमारा फोकस है PT का लेंथ लिखा, अब ध्यान देना, इन ट्रायंगल PTN, ठीक है। अब उस ट्रायंगल में देखो हमें ये निकालना है, अगर तुमसे मैं पूछूं कोई बताना यार PM का लेंथ कितना है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ PM, ये बताएगा,
पीएम का लेंथ कितना है? बिल्कुल सही, तो मैंने बिल्कुल सही बताया, वाई वन होगा, क्योंकि भाई ये तो वाई, यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो इसका वाई कोऑर्डिनेट ही तो ऊपर है, तो ये क्या वाई वन। ठीक है, अब देखो ट्रायंगल पीटीएम में अगर मैं साइन थीटा ली, साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर जो पीएम है डिवाइड बाय बेस जो पीटी है, चलिए भाई अगर साइन थीटा निकालोगे तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, हाइपोटेनस ये हो जाएगा, हाइपोटेनस क्या है पीटी, ठीक है पीटी अपन, अब पीएम हमने अभी बताया कि वाई वन है अपॉन पीटी होगी। अब देखो अब कैलकुलेट करोगे मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई तो पीटी क्या आ जाएगा, वाई वन अपॉन साइन थीटा जिसको वाई वन इंटू कोसेक थीटा, तो नोट करो, नोट करो यहां तक समझाता हूँ। तो इम्पोर्टेंट भी है जेई में, इस बार क्वेश्चन डायरेक्टली इसी पे आएगा, इसको डिफरेंशियल इक्वेशन में यूज कर लेगा और तो वहां से क्वेश्चन आ जाएगा। नोट कर लिया, अब देखो जो पीटी का लेंथ आया वो किसके इक्वल आया, देखो इसको मिटाता हूं, अब देखो ये क्या आ गया वाई एन, क्यों वाई क्यों लिख दिया मैंने, देखो है क्या कि जो तुमने लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाला वो किसके इक्वल आया, देखो वाई वन प्लस सॉरी इनटू अंडर रूट वन प्लस डीएक्स बाय डीवाई या वन बाय एम का स्क्वायर, ये तो लिख रखा है, अब वन बाय एम लिखो या डीएक्स बाय डीवाई लिखो दोनों सेम है। अब देखो जो हमने लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाला वो किसी पॉइंट पे निकाला, अगर मान लो ऐसा होता है टू कॉमा थ्री तो ये क्या करते हैं y1 को 2 से सॉरी x1 को 2 से और y1 को 3 से रिप्लेस कर देते अपना रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन है क्या हमें कर्व का पता नहीं कौन सा पॉइंट है, तो हमने जनरल कर दिया कि अगर मान लो कोई बोले 2 3 पर निकालो तो क्या करेंगे y को 3 से रिप्लेस कर देंगे। जैसे छोटा सा क्वेश्चन देखो, मान लेते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर या फोर एक्स स्क्वायर टू कोमा या टू कोमा कितना होगा फोर,
मान लो 1.2.1 ठीक है, ये कोई कर्व है तो y इक्वल टू 4x2। उसने बोल दिया 1.2.1 पे इसका लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालो। क्या निकालो? ये थोड़ा और मैं चेंज कर देता हूं, थोड़ा और चेंज करता हूं। मान लो ये कर्व है y क्यूब या y स्क्वायर इक्वल टू 4x3 ठीक है। तुमसे बोल दिया 1.2 पे लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालो। 1.2 देखो 1.2 सेटिस्फाई कर रहा है, x1 डालोगे तो y2 आ जाएगा अपना। उसने ये बोला कि फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x3 एट पॉइंट 1.2। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x3 एट पॉइंट 1.2। तो हमें क्या करना, हमें ये फॉर्मूला याद रखना कि भाई हमें लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है, y इनटू अंडर रूट 1 प्लस dx / dy का होल। तुम इस तरीके से याद रखो या इस तरीके से याद रखो, जो तुम्हें सुविधा हो, जो तुम्हें कन्वीनियंट लगे तुम उस तरीके से याद रखो। अगर तुम्हें लगता है ये सर आसान है, ये याद रखना आसान है, स्लोप निकालना पड़ेगा। तो देखो स्लोप निकालोगे तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2y into y' = 12x2। यहाँ से y डैश कितना आएगा, 6x2 डिवाइड बाई y ठीक है, ये आ गया। हमें y डैश निकालोगे किस पे, 1.2 y डैश का मतलब dy / dx। तो dy / dx तुम निकालोगे 1.2 पे, तो x को 1 डाल देंगे y को 2 डाल देंगे, 6 into 1/2 क्या आ जाएगा 3। यानी dy / dx क्या आ गया, 3 आ गया। यानी ये क्या है, ये m है आपका। तो अगर m 3 आ गया तो 1/m कितना आएगा, 1/3। अब इस फॉर्मूले में डाल दो, फॉर्मूला में डालोगे तो y कितना है, 2 into 1 + 1/3 का हो गया। सोल्व करो आंसर आ जाएगा, मैंने कितना आएगा 2√10/, दिस इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट ठीक है। तो इक्वेशन लिख लो, क्वेश्चन लिख लो भाई इस बात को, फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट, बोल दे रहा हूं मैं, लिख लो फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट, find the length of tangent to the curve y square equal to 4x3 at 1.2 बस यही हो गया भाई। यहां से क्या प्रोसीजर कर दिया, ये आ गया पीटी किसी को डाउट है बताओ पहले। कोई डाउट है किसी को, किसी पार्ट में समझने में? नोट कर लिया, देखो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, बार बार हम डेराइव नहीं कर सकते ठीक है। मैं तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ कि बार बार थोड़ी डेराइव करके पूरा फॉर्मूला कंप्लीट करके ये लेके आएंगे, फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा। डेरिवेशन कैसे है वो मैंने बता दिया आपको ठीक है, रिजल्ट आपको याद रखना है। नोट कर लिया ना, मॉड क्यों लगाया था, क्योंकि लेंथ है ना यार। अगर मान लो इसी में पॉइंट वन को मैं माइनस टू दे दूं, पॉइंट वन को मैं माइनस टू दे दूंगा, तो
तो वाई की जगह माइनस टू डालोगे तो नेगेटिव आ जाएगा ना, तो लेंथ कभी नेगेटिव थोड़े होता है। 1.2 भी सेटिस्फाई करेगा, 1.-2 भी सेटिस्फाई करेगा, तो दोनों इसी पे, इसलिए लेंथ है तो मॉड लगाना कंपल्सरी। अब देखो आप बड़ा आसान है, अब तुरंत निकल जाएगा, हमें लेंथ ऑफ सब टेंजेंट निकालना टी है, ये दिया है, ये निकालना है, टाइम लगा नहीं। ये लेंथ ऑफ सब टेंजेंट हो गया, ठीक है, पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, इसमें क्या समझाना, तो डाउट हो तो बता दूं। देखो इसमें एक थोड़ा देख सकते हो कि टेंजेंट निकालना उसमें भी नीचे एम था, और सब टेंजेंट निकाला उसमें भी नीचे एम, यानी स्लोप हमेशा नीचे ही आएगा या dx by dy आएगा, जैसे समझो वाई वहां भी बाहर था वाई यहां भी बाहर है। हो गया, नोट कर लिया। अब आते हैं नॉर्मल पे। अब नॉर्मल में देखो थोड़ा सा, नॉर्मल के लिए क्या चाहिए, हमें रियल लेंथ निकालना, नॉर्मल के लिए लेंथ निकालना। अब देखो ये थीटा है, ये कितना होगा, ये थीटा है, ये 90 है ना, ये 90 है, 90 है, ये 90 है, ये थीटा है, ये तो पाई बाय 2 माइनस थीटा होगा, ये होगा पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये कितना होगा थीटा, समझ रहे हो ना भाई, ये थीटा है, ये थीटा है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, पी टी एन बोले, ये वाला पूरा ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल राइट एंगल ही तो है, क्योंकि भाई ये टेंजेंट और नॉर्मल है तो 90 पे होंगे, तो ये पूरा एंगल 90 है, ये थीटा है, तो पाई बाय 2 माइनस थीटा ही दोगे, और ये क्या हो जाएगा, अब ये छोटे वाले ट्रायंगल में देखो, ये वाले ट्रायंगल में, छोटे वाले ट्रायंगल में ये पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये 90, तो ये क्या हो जाएगा, ये वापस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो लेंथ ऑफ टेंजेंट नॉर्मल निकालते हैं,
बताओ डाउट किसी को, इसमें सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें और कुछ करना ही नहीं। हो गया, नोट कर लिया। अब सम नॉर्मल भी निकाल सकते हो उसी तरीके से। ट्रायंगल तो सेम ही है, ये दिया है वो, मतलब ये वाई वन था अपना, अब देखो चारों में एक पॉइंट सब में कॉमन है, वाई वाई सब में वाई तो है, टेंजेंट था, सब नॉर्मल है, नॉर्मल है, सब में वाई है। अब देखो नॉर्मल में क्या है, नॉर्मल में 1+ m² है, और सब सॉरी टेंजेंट में 1/m² है, मतलब पूरा एक्सप्रेशन सेम है। नॉर्मल में और टेंजेंट में एक ही अंतर हुआ, m² का जगह 1/m². सिमिलरली सब नॉर्मल में और नॉर्मल सब नॉर्मल और सब टेंजेंट में भी एक ही फर्क हुआ, यहाँ dy/dx यानी m है और वहां 1/n है। तो उल्टा ऐसे याद रख सकते हो कि भाई टेंजेंट का स्लोप जो है वैसे m होता है, लेकिन टेंजेंट वाले में 1/m है और नॉर्मल वाले में m है, ठीक है, याद रखने का ऐसे सोच सकते हो। टेंजेंट जो है उसमें रेसिप्रोकल m का है और जो नॉर्मल है दोनों पार्ट वो 1/n। बताओ किसी को डाउट, ये पार्ट कंप्लीट हुआ। डाउट किसी को, चलो नहीं है तो फिर अब अपना आते हैं सेकंड टॉपिक पे, एओडी का।
अब आते हैं मोनोटोनिसिटी, ठीक है ना। तो पहले डिफिनेशन लिखो, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। डाउट तो आइसोलेट करता हूँ, आप लिखो, नोट तो करो। ये लिखा है, फंक्शंस आर सेड टू बी मोनोटोनिक इफ दे आर आइदर इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग मतलब एरो में ही बनाऊंगा, ठीक है ना। आगे आगे से इंक्रीजिंग को आगे, ये एरो का मतलब फंक्शन इंक्रीज करेगा, और उस एरो का डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन देयर इंटायर डोमेन, ठीक है ना, ध्यान रखना। इसी में अलग अलग चेंज करके बोल रहे हैं, ये इंक्रीजिंग है, सेकेंड लाइन है कि फंक्शंस विच आर इंक्रीजिंग एज वेल एज डिक्रीजिंग इन देयर डोमेन आर सेड टू बी, नहीं आर कॉल्ड, जो भी है, नॉन मोनोटोनिक फंक्शन। नोट कर लो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, नोट कर लिया। ओके, नोट कर लिया। देखो मतलब क्या है कि फर्स्ट लाइन में ये लिखा कि कोई भी फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है इन देयर इंटायर डोमेन, यानी पूरे डोमेन में आइदर वो इंक्रीज करना चाहिए या डिक्रीज करना चाहिए, दोनों में से कोई एक ऑप्शन उसके पास होना चाहिए, ठीक है ना। ध्यान रखना, ये केवल इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बात कर रहा है, ये कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी की बात नहीं कर रहा। नेचर जो होना चाहिए वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का होगा, वो कंटिन्यूअस है या नहीं है इससे इसको कोई मतलब नहीं। बस हमें क्या देखना है कि फंक्शन हमेशा क्या होना चाहिए, जो भी है वो हर जगह बढ़ता जाना चाहिए,
तो उसको क्या बोलेंगे, मोनोटोनिक फंक्शन। अगर कोई फंक्शन दोनों बिहेवियर अपने डोमेन में कर रहा है, यानी कुछ पार्ट में इंक्रीज किया और कुछ पार्ट में डिक्रीज किया, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन मोनोटोनिक। ठीक है, बड़ा स्टैंडर्ड एग्जांपल है, देखो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया, वाई इक्वल एक्स क्यूब हो गया। देखो देखो इंक्रीजिंग का सिंपल मतलब यह है, मतलब अगर ऐसे समझा जाए कि कोई फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है, तो देखो ऐसे फिजिक्स में तुम लोग बोलते हो ना dy by dx, इसको क्या बोलते हैं फिजिक्स में, क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, फिजिक्स में ही होता जो वेलोसिटी या एक्सीलरेशन वगैरह बहुत जो भी बात हो उसको रेट ऑफ चेंज ही तो बोलते हैं। तो यहाँ पर भी वही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगर मान लो y विद रिस्पेक्ट टू x बढ़ेगा, तो रेट ऑफ चेंज का क्या मतलब होगा कि भाई अगर कोई फंक्शन बढ़ रहा है, तो अगर y पढ़ाएंगे, सॉरी अगर इनपुट बढ़ाएंगे, तो उससे कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट भी बढ़ेगा, यानी नेचर ऑफ इंक्रीजिंग y और x दोनों का सेम होना चाहिए, दोनों एक साथ बढ़े या दोनों एक साथ कम हो। ठीक है, समझ मतलब आगे जाओगे तो बढ़ेगा किसी तरीके से, जैसे भी दे रखा हो, पीछे जाएंगे तो कम होगा, यानी दोनों का नेचर सेम होना चाहिए इंक्रीजिंग के लिए। अब अगर डिक्रीजिंग की बात करें, तो डिक्रीजिंग में बस उल्टा हो जाएगा, एक बढ़ाओगे तो दूसरा कम होगा। ठीक है, इसमें देखो अब यह जैसे ये y = x³ है, अब इसमें मान लो यहां से शुरू कर रहा है, तो जब आगे जाओगे तो x में आगे जाएंगे, यानी x बढ़ रहा है ना, यानी देखो ऐसा है, ये बढ़ा। ठीक है, अब जब यहां से शुरू करोगे माइनस इंफिनिटी है y की वैल्यू, अब जब आगे ऊपर बढ़ोगे तो x माइनस इंफिनिटी था ना, जैसे ऊपर बढ़ोगे तो x आगे जाएगा, राइट साइड में शिफ्ट होगा, यानी x बढ़ेगा। तो अगर ऊपर जा रहे हैं तो y बढ़ रहा है, और इसमें आगे जा रहे हैं तो एक्स भी बढ़ रहा है, यानी दोनों का नेचर क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, तो इसको क्या बोल देंगे, इंक्रीजिंग बोल देंगे। ये क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। इसी में अगर मान लो कि ग्राफ ऐसा हो, इसमें क्या हो जाएगा, एक्स बढ़ाओ तो क्या हो गया, वाई कम होगा, तो इसको क्या बोल देंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये आपका इंक्रीजिंग हो गया, क्योंकि दोनों का रेट सेम था, ये आपका क्या होगा, डिक्रीजिंग हो गया, क्यों, क्योंकि एक्स बढ़ा रहे तो वाई नीचे जा रहा है, यानी वाई क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये भी मोनोटोनिक है और ये भी मोनोटोनिक, मोनोटोनिक दोनों फंक्शंस, मोनोटोनिक का मतलब होगा आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन, और इसका नाम मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन जब इसमें जाओगे, देखो ध्यान रखो कि ये जीरो है, आपको दिख रहा है, जैसे यहां से जीरो से मान लो आगे बढ़ोगे, तो जीरो से जब आगे बढ़ोगे तो एक्स बढ़ेगा, ये ग्राफ ऊपर जा रहा है ना, ग्राफ ऊपर जाने का मतलब वाई का वैल्यू बढ़ रहा है, और ऊपर जाने का मतलब एक्स में आगे जा रहे हैं, तो एक्स और वाई दोनों बढ़ रहा है, तो ये वाला पोर्शन जो है वो इंक्रीजिंग आ रहा है। लेकिन जैसे इसको ऑब्जर्व करोगे, देखो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर माइनस इंफिनिटी पे प्लस इंफिनिटी है, जैसे एक्स में आगे जाओगे तो वाई क्या होगा, कम होगा, नीचे जा रहा है ना, अगर ग्राफ ड्रॉप करें ऐसे ऐसे तो वाई में कम जा रहा है ना, नीचे जा रहा है, लेकिन एक्स में आगे जा रहा है, तो इसमें x तो बढ़ रहा है लेकिन y कम हो रहा है, तो ये वाला जो पोर्शन क्या हो गया, डिक्रीजिंग का, और ये वाला पोर्शन इंक्रीजिंग का, यानी इसमें दोनों पार्ट एक जगह आ गए, तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन मोनोटोनिक। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बताओ। इसमें फिर एक दो और ग्राफ बनाता हूं मैं, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन समझ में आया कि भाई इसको क्या बोलेंगे, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन, इसको क्या बोलेंगे, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन। मोनोटोनिक दोनों वर्ड के लिए आता है, केवल मोनोटोनिक लिख रखा है तो उसका मतलब वो इंक्रीजिंग भी हो सकता है और डिक्रीजिंग भी हो सकता है, केवल मोनोटोनिक है तो। ठीक है, उसके साथ तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड दिस इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, ये नॉन मोनोटोनिक। देखो मैंने ये बताया कि इंक्रीजिंग का क्या मतलब होता है, कोई ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है ना, ऊपर जा रहा है ना, बढ़ने का ही मतलब होगा ना, कोई ग्राफ बनाओगे अगर मान लो ऐसा जाए तो ये तो इंक्रीजिंग है ना, तो जब ये इंक्रीज हो रहा है, ये वाई है, ठीक है, और ये एक्स है, तो अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो इसमें वाई बढ़ रहा है ना, क्योंकि वाई ऊपर जा रहा है, तो जब इंक्रीज में जाओगे तो एक्स भी तो आगे जाओगे,
ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है, याद तो नहीं होगा तुम लोगों को, शायद तुम लोगों को याद भी हो। ये वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स का, हमें बताना है कौन इंक्रीजिंग कौन डिक्रीजिंग है। देखो सिंपल ये आप, इंक्रीजिंग का मतलब होगा ग्राफ हमेशा ऊपर जाएगा, डिक्रीजिंग का मतलब है ग्राफ हमेशा नीचे जाएगा। हमेशा हमें नेगेटिव एक्स से पॉजिटिव एक्स देखना, यानी आप पीछे से आगे बढ़ना। तो देखो इसमें बढ़ोगे तो मिनिमम इधर से इधर जाएंगे, लेफ्ट से राइट जाएंगे, तो लेफ्ट से राइट जाओगे तो मिनिमम ये है माइनस फाइव बाई टू। तो जब आगे बढ़ोगे तो ग्राफ क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा, बढ़ते 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 यहाँ पे आ गया। तो पहले तुम एक्स इक्वल टू माइनस वन पे स्टार्ट किया, एक्स इक्वल टू वन पे पहुंच गए, तो एक्स में भी आगे गए और वाई में भी ऊपर गए, तो दोनों का नेचर ऑफ चेंज सेम हो गया ना, रेट ऑफ चेंज एक्स भी बढ़ा वाई भी बढ़ा, तो इसको क्या बोलेंगे। देखिए इसमें, देखो इसमें जैसे ये मैक्सिमम ऑलरेडी है, जैसे आगे बढ़ो तो ग्राफ कम होता जाएगा, कम होने का मतलब क्या होगा, डिक्रीज होगा, नीचे जा रहा है, एक्स में आगे जा रहा है ग्राफ नीचे जा रहा है, यानी डिक्रीजिंग। ठीक है, समझ में आ गया तो अच्छी बात है। अब एक बार बताओ, ध्यान से सुनना, मैं एक ग्राफ बनाता हूँ टैन एक्स का, अब टैन एक्स के बारे में बताओ कि उसका नेचर कैसा है। tan x कैसा फंक्शन है वो बताना है आपको, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है या नाइदर ऑफ देम है। ये tan x का ग्राफ है, कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। सोच लो भाई, चलो भाई मिक्स आंसर आ रहे हैं, कोई इंक्रीजिंग बता रहा है, कोई नॉन मोनोटोनिक बता रहा है। हाँ तो नाइदर ऑफ देम का मतलब वही, कोई नॉन मोनोटोनिक हो गया ना। देखो फिर मैं बोलता हूँ, मैंने डेफिनेशन क्या बोला था, फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, ध्यान सुनो। देखो मैंने डेफिनेशन ये बोला था कि कोई भी फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है वो किस बात पर डिपेंड करेगा, पूरे ग्राफ में क्या इंक्रीज करते हैं, ठीक है, यही बोला मैंने, ठीक है, डायरेक्ट डोमेन बिल्कुल ठीक है, डोमेन वाई यूज किया था। ये भी मैंने बोला था कि फंक्शन का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग उसके कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी से कोई मतलब नहीं है, सिंपल एक्सप्लेनेशन है कि फंक्शन इंक्रीज करेगा तो हाँ ठीक है, इंक्रीज करेगा मतलब उसके कंटिन्यूटी से कोई मतलब नहीं है, ध्यान देना। देखो इंक्रीज का मतलब मैंने यही बोला कि भाई एक्स में आगे जाओगे तो वाई में आगे बढ़ोगे, ठीक है ना, लेकिन ध्यान देना वहां पर मैंने क्या लिखा है, डोमेन पे लिखा था उसका। अब इसमें जैसे मान लो यहाँ से शुरू करें तो बढ़ते जा रहा बढ़ते जा रहा बढ़ते जा रहा बढ़ते जा रहा यहाँ, लेकिन जो ये नंबर है ये कौन सा है, पाई बाई टू है, पाई बाई टू है ना, पाई बाई टू का फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। देखो सिंपल ये मतलब होता है कि कोई फंक्शन इंक्रीज करेगा ना, देखो इंक्रीज करेगा तो एक्स बढ़ाओगे तो वाई भी बढ़ेगा, लेकिन अगर कोई बोले कि ये वाला पॉइंट ध्यान रखना पाई बाई टू का फंक्शन डिफाइंड नहीं, ठीक है ना, तो ये पूरा जो भी है वो इंक्रीज करते चला गया,
अब तुम जैसे यहाँ शुरू करोगे तो कोई बोलेगा ये फंक्शन, ये नेचर कैसे, ये भी तो इंक्रीजिंग है क्यों? देखो पाई बाय टू एक ऐसा पॉइंट होगा जो डोमेन में ही नहीं है। अगर देखो ऐसा होता, देखो ऐसा हुआ और फिर ऐसा नीचे आता, तब ये इंक्रीज किया फिर वो डिक्रीज किया, लेकिन ये तो इंक्रीज करते क्या यहाँ से फिर डिसकंटिन्यूटी होगा, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, फिर यहाँ से स्टार्ट होगा, यानी ये वाला पॉइंट इसके डोमेन में ही नहीं है। तो ये जो है ना, ये जो है ना, ये कोई रोल ही प्ले नहीं कर रहा है इसमें। इंक्रीजिंग का ही मतलब हो ना कि एक्स बढ़ाएंगे तो वाई बढ़ना चाहिए, एक्स बढ़ाएंगे तो वाई बढ़ना चाहिए। अब इसमें एक्स बढ़ा रहे हो तो वाई बढ़ता चला, लेकिन सडनली एक पॉइंट ऐसा आया कि जहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो ये पॉइंट है ना, अगर मैं बोलूं कि ये यहाँ पर शुरुआत हो रहा है मिनिमम से, अभी तुम बोलो, मैं तुम बोलोगे सर ये नहीं है, तो मैं बोलूंगा ना इसके पीछे वाला वैल्यू बताओ, तो इसके पीछे वाला वैल्यू तो पाई बाय टू है ना, तो तुम पाई बाय टू को क्या बोलोगे, फंक्शन डिफाइंड नहीं है, समझ लो। तो ये जो फंक्शन है tan x का, ये भी क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन। tan x इज अ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर वो ग्राफ ऐसा होता है कि जो यहां पर गया फिर यहां से वो नीचे उतरता तब वो डिक्रीज करता, ये तो यहां से छोड़ के जंप मार के फिर यहां से स्टार्ट कर रहा है। इसलिए मैंने बोला था कि कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में कोई रिलेशन नहीं है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। कोई डाउट किसी को? चलो अब आते हैं, ये तो भाई ग्राफिकल हो गया, अब मैथमेटिकली कैसे देखते हैं वो मैं बताता हूँ। मैथमेटिकली कैसे देखते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ठीक है। एक फंक्शन मैंने ले लिया कि जो इंक्रीजिंग देख ही रहा है, नेचर में इंक्रीजिंग है, y इक्वल टू fx फंक्शन मान लिया हमने, ठीक है, y इक्वल टू fx एक फंक्शन हमने मान लिया, x1 दिख रहा है, ये पॉइंट मान लिया ये x1 है, ये x2 है, तो अगर ये पॉइंट x1 है तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, f(x1), इसका y कितना आएगा, f(x2). एक पॉइंट ए माना, दूसरा पॉइंट बी माना, ए से बी में नेचर जो तुम्हें दिख रहा है वो क्या है, इंक्रीजिंग का है, ठीक है, चलो ठीक। अब देखो देखो ए बी एक कॉर्ड है, ठीक है, अब वो लाइन का स्लोप निकाला जाए, ठीक है, ए बी एक कॉर्ड है तो ए बी का स्लोप क्या आएगा, उसको डिनोट कर दिया एम ए बी, एम ए बी का मतलब ए बी का स्लोप, जनरली लाइन का स्लोप क्या होता है, वाई टू माइनस वाई अपॉन एक्स टू माइनस एक्स टू, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपना वाई टू कितना है, ये वाला पॉइंट और ये एक्स वन है, सॉरी वाई वन है, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ वाई टू, ठीक है,
डॉट किसी का वो चलो अब इसमें क्या करते देखो बोथ साइड लिमिट ठीक है ये क्या आएगा ये हम लोग कर चुके हैं ना तुम्हें याद हो तो इसको क्या बोलते थे याद है इसको बोलते थे एफ डैश एक्स वन और ये क्या होगा ये क्या होगा फर्स्ट प्रिंसिपल याद है पता नहीं याद है तुम्हें इसी को तो डेरिवेटिव बोलते हैं ना फर्स्ट प्रिंसिपल डेटराइज करा चुका हूं मैं पहले एओडी में सॉरी जब डिफरेंशिएबिलिटी पर आता तब बताया था ना ये वाला पार्ट फर्स्ट प्रिंसिपल। हाँ ठीक है चलो तो ये आपको याद होना चाहिए मैं एक बार रिवाइज करा दिया। अब देखो यहाँ पर यूज क्या होगा ये लिखो या नहीं लिखो ये फर्क नहीं पड़ता ये अपना फर्स्ट प्रिंसिपल में कर चुके होंगे ठीक है ना। अब ये को यहाँ इसका क्या रिलेट करते हैं यहाँ पे ये सही लिखा मैंने क्या एफ ऑफ एक्स टू का वैल्यू एफ ऑफ एक्स वन से बड़ा होगा क्योंकि ऊपर है ना ये ऊपर है तो ऑब्वियसली इसका ग्रेटर देन आएगा। अब इसको इधर लिखिए ग्रेटर देन जीरो होगा सॉरी अरे एक्स टू ये एक्स टू है ना एक्स वाई टू थोड़ा देखो ये ऊपर है तो बड़ा होगा। अब इसको इधर लेके आए तो वो क्या हो गया ग्रेटर देन जीरो जगह तो थोड़ी कम है। देख अब क्या करते हैं दोनों साइड एक्स टू माइनस एक्स वन से डिवाइड कर मैं बोलूं एक्स टू माइनस एक्स वन का नेचर कैसा है नेचर इन द सेंस की पॉजिटिव है नेगेटिव है एक्स टू आगे है और एक्स वन पीछे है तो डिफरेंस पॉजिटिव आएगा तो ये नंबर तो पॉजिटिव रहेगा ये तो जीरो का जीरो ही रहेगा और ये क्या आ गया मतलब दिस नंबर इज ग्रेटर देन जीरो ही रहेगा बस ये पूरा जीरो हो गया ठीक। अब याद यहाँ पर क्या करते हैं वही लिमिट एक्स टू माइनस एक्स वन लगा यानी एक्स टू टेंड टू एक्स टू वही है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा एफ डैश एक्स टू यानी यहां से एफ डैश एक्स वन क्या आएगा ग्रेटर देन जीरो यानी हम ग्राफ का नेचर कैसे लेके चल रहे थे इंक्रीजिंग तो उसका डेरिवेटिव कैसा आ गया पॉजिटिव आ गया यानी ऐसा बोल सकते हैं f dash x is greater than 0 तो उसको बोलते हैं फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या होगा कि फंक्शन हमेशा बढ़ता जाए यानी तुमसे पूछे कोई फंक्शन अगर ऑलवेज इंक्रीजिंग है तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे कैसे डिराइव करेंगे तो उसमें कंडीशन क्या लगेगा यही कंडीशन लगेगा यानी कोई फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है दैट मींस द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन मस्ट बी पॉजिटिव एफ डैश एक्स हमेशा जीरो से बढ़ा ही है वैसे वैसे होता है आगे मैं बताऊंगा तो यहाँ पर इक्वालिटी भी आता है लेकिन अभी मैं अभी नहीं बताता हूँ अभी बस यही समझो ग्रेटर देन जीरो और उसमें टैन में देख लो अपना टैन एक्स कैसा है तुमसे पूछा कि फंक्शन कैसा है अब इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो वाई डैश क्या आएगा सेक एक्स पर
अब किसी भी नंबर का स्क्वायर तो हमेशा घट देना जीरो से होता है ना, सेक स्क्वायर तो हमेशा वन से बड़ा ही होता है, और कंडीशन यही था कि फंक्शन का डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है दैट मींस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यानी हमेशा बढ़ेगा। तो देखो वहां भी रहा टैन के केस में कि टैन का डिफरेंशिएट करोगे सेक स्क्वायर आएगा, वो हमेशा वन से बड़ा होगा, यानी जीरो से तो ऑटोमेटिकली बड़ा होगा, दैट मींस ये फंक्शन कैसा है इंक्रीजिंग। तो एक काम करना आपके होमवर्क का, यह तो इंक्रीजिंग का करा दिया, आप डिक्रीजिंग का करके एक बार डिराइव करना, बस ग्राफ क्या उल्टा बनाना, ऐसे बनाऊंगा पॉइंट x1 x2 रखना, fx1 fx2 रहेगा, ये आप डायरेक्ट खुद से करो, ठीक है ना। अगले क्लास में मैं उसको करा दूंगा, ठीक है। और मैं बता चुका हूँ टेस्ट में अपना आ ही रहा है नॉर्मल और टेंजेंट तक का है, आज वाला लेक्चर नहीं है, ठीक है ना। चलो ठीक है, और कोई डाउट तो नहीं है किसी को, डाउट किसी को, खुद से कर लेना एक बार, थोड़ा खुद से करोगे तो रिवाइज होगा और थोड़ा सोचोगे भी। हाँ चलो ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलो ओके, थैंक यू।